नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आज आपको एक ऐसे अपराध कर्मी के बारे में बताएंगे, एक ऐसे अपराधी के बारे में बताएंगे जिसे ना सुनने की आदत ही नहीं है। उसे अगर किसी ने ना कहा तो उसका काम खलास हो गया, काम तमाम कर दिया उसने। राजधानी पटना में दो घटना हुई थी, एक हत्या और एक फायरिंग। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने शिवम कुमार उर्फ बबुआ उर्फ नीरज सिंह और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। राजीव नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों दो घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया था, हत्या की थी और फायरिंग किया था। हत्या और फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ बबुआ उर्फ नीरज सिंह, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसे ना सुनने की आदत ही नहीं है, घटना में शामिल प्रिंस कुमार, दोनों की गिरफ्तारी हुई है आज। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल SP चंद्र प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। आप लोगों का स्वागत है। राजीव नगर थाना क्षेत्र में दिनांक 10 अगस्त 2024 और दिनांक 16 अगस्त 2024 को दो घटनाएं हुई थी। और पहले वाले घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उनके सर पे और उनके पेट के एरिया में जो है गोली मारी गई थी। और दूसरे घटना में जो है एक व्यक्ति के घर पे जाकर के कुछ लोगों ने गाली गलौज किया था और फायरिंग की घटना कारित की थी। इन दोनों घटनाओं के संबंध में जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था 2 के द्वारा जो है एक टीम का गठन किया गया था और टीम में तकनीकी और CCTV और अन्य जो है मानवीय सूचना के आधार पर टीम ने अनुसंधान प्रारंभ किया और घटनास्थलों पर जो है FSL की टीम को भी बुलाया गया, जिससे कि वो उचित साक्ष्य जो है वहां से जब्त कर पाए। और इसके बाद हमें अनुसंधान के क्रम में पता चला कि दोनों में जो है एक कॉमन व्यक्ति है और उस कॉमन व्यक्ति के विरुद्ध जो है हम लोगों की लगातार छापेमारी चल रही थी और अन्य जो व्यक्ति है उनके विरुद्ध भी छापेमारी चली रही है। और इसमें जो है फाइनली हमें उस व्यक्ति का नाम पता चला, उस व्यक्ति का नाम शिवम है और ये ओरिजिनली ये बड़हरा थाना क्षेत्र भोजपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो है पटना में ही रहकर जो अपना रहते हैं। और इनकी इनके विरुद्ध छापेमारी की गई तो इनको गिरफ्तार किया गया और इनके गिरफ्तारी के पश्चात इनके निशानदेही पे जो 462/2024 जो 10 अगस्त की घटना थी उसमें संलिप्त व्यक्ति प्रिंस कुमार उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया। तो इन दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपना जो है अपराध में अपना जो स्वीकार किया है अपनी संलिप्तता। और इनके द्वारा बताया गया कि जो पहली घटना हुई थी उसमें वो घटनास्थल के आसपास जो है बस कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए गए थे और वहां पे इससे बकझक हो गया दिशा पूछने के संबंध में या किसी अन्य संबंध में, और बकझक के फलस्वरूप जो है इसने गोली चला करके जो है दो व्यक्तियों ने जो उनको मार दिया। इसके बाद 16 अगस्त की घटना के संबंध में इनका कहना है कि ये व्यक्ति जो है जब से शिवम जेल से छूटा था तब से जो है ये व्यक्ति उनको जो है अनाप शनाप बोलता रहता था और जो है झगड़ा करता था, इसलिए जो है उनको डराने की मंशा से जो है उसके घर पे जाकर के जो इन्होंने फायरिंग किया। तो इन दोनों घटनाओं में जो है शिवम कुमार की संलिप्तता है और जो हमारे हमारे पास जो है जो तकनीकी साक्ष्य भी आए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि दोनों घटनाओं पे जो है शिवम कुमार मौजूद थे। दोनों घटनाओं में शिवम कुमार अपने साथ अन्य व्यक्तियों को लेके गया था। तो पहली घटना में प्रिंस कुमार जो है वो अभी अरेस्ट हुआ है, बाकी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जो है छापेमारी की जा रही है। दूसरे घटना में और जो अन्य व्यक्ति है सबका जो है पहचान कर लिया गया है, लेकिन हम लोग जो अभी छापेमारी उनके विरुद्ध जो है जारी रखे हुए हैं। तो अब जब क्यों हुआ, क्यों गोली मारा और ये राजीव नगर में क्या कर रहा था, इसका अनुसंधान में अभी तक बात जो आई है कि ये पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कहीं से जो है और कुछ लोगों को से बेसिकली उनकी पूछताछ करने के लिए कि वो कहाँ रहता है ढूंढ रहे थे और उसी के क्रम में जो है ये जो मृतक व्यक्ति थे ये उन्हें मिले सामने और उनसे इन्होंने पूछा कि उसका कहाँ घर है, ऐसा इनका कहना है। और इसी क्रम में जो है उनको लगा कि उन्होंने अपमान किया इसका और उसके बाद जो है इन्होंने गोली चला दिया। मारने की मंशा थी इसे ढूंढी जा रही, नहीं ऐसा नहीं आया है फिलहाल। फिलहाल अभी तो ये आया है कि ये किसी को ढूंढ रहे थे
और इसको इनको मृतक को मारने का इन्होंने जैसे कहा है कि नहीं, और लेकिन फिर भी जो है ये जरूर है कि इन्होंने जो है मिल करके जो है घटना में जो है हत्या का जो है कारित किया है। दोनों का पहले से पूर्व से आपराधिक इतिहास है। शिवम कुमार जो है पूर्व में काफी गंभीर कांडों में जो है जेल जा चुके हैं, तो उसमें जो है लूट की जो है प्रयास और जो 396 मतलब डकैती एवं जो है हत्या का जो कांड है, और इसके अलावा NDPS का कांड है और आर्म्स एक्ट के विभिन्न कांड है, तो इसमें कई बार ये जेल जा चुका है शिवम कुमार। प्रिंस कुमार जो है कृष्णापुरी थाना से जो है मारपीट के एक कांड में जेल जा चुके हैं। पटना में कहाँ रहता था और क्या काम करता था? पटना सेंट्रल SP को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि राजीव नगर थाना क्षेत्र में बीते 10 अगस्त को एक चालक को, एक ड्राइवर को महज पता नहीं बतलाने पर 2 गोलियां मार दी गई थी। गिरफ्तार हिस्ट्री सीटर अपराधी शिवम कुमार उर्फ बबुआ उर्फ नीरज सिंह ने अपने एक अपराध कर्मी सहयोगी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया था और फरार हो गया था। हालांकि मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को उसके शरीर पर लगे घावों को देख उसका पोस्टमार्टम उन्होंने कराया, जिसमें गोली मारकर हत्या करने का प्रयास मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी घटना राजीव नगर में ही, राजीव नगर थाना क्षेत्र में बीते 18 अगस्त की है, जहां गिरफ्तार अपराध कर्मी शिवम कुमार उर्फ बबुआ उर्फ नीरज सिंह ने अपने 5 अन्य सहयोगी अपराधियों के साथ एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों घटनाओं में पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें घटना में शामिल अपराधियों की पहचान हुई है। बहरहाल पुलिस ने घटना में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना से रोहित की यह रिपोर्ट थी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।